ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम भी जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, लगन से आते हैं, सेवा करते हैं, जब सेवा करते करते बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटरों के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहां जो पैसे देते हैं ना उसकी उसकी ज्यादा खातरी होती है, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा, कुछ ना कुछ बुराई करेंगे। जब बुराई करेंगे भावना बिगड़ जाएगी। याद रखना, या भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, बड़ों के प्रति भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। जो आपकी भावना खराब करने का गान कोई बातें सुनाता है वो आपका दुश्मन है। इसको ही बाबा कहते, बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब अज्ञानी आत्मा नहीं। अगर कोई ज्ञानी है, कोई सेंटर की, कोई मधुवन की, कोई बहनों की कोई बातें आपको सुनाता है, कोई यज्ञ की बुराई करता है, वो है संग दोष, ये है कुसंग। रास्ते में चलते चलते किसी ने कीचड़ा डाल दिया तो आप क्या कहेंगे? अब हो गए, आपको ऑफिस में जाना था जरूरी, अब लोग कहेंगे, चिढ़ाएंगे, इसलिए वापिस आएंगे, कपड़े चेंज करके, टाइम वेस्ट हो गया, लेट भी हो गया, दूसरे दिन फिर जा रहे थे, वही व्यक्ति सामने है जिसने कल किचड़ा डाला था, तो क्या करना है? और आज भी किचड़ा ही डालने वाला है, कई बार उसने किचड़ा ही डाला है, तो क्या करना है? रास्ता बदल कर ही जाना है ना। ये कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, कपड़े पहन के आए, जाओ डालो, बड़ा मजा आता है। इसी तरह आपने अमृत वाला अच्छी की मुरली सुनी, जा रहे थे तो चलते चलते कोई ऐसा ही व्यक्ति मिला, अरे हमारे सेंटर पर तो कुछ नहीं करते, वो देखो कितना अच्छा उन्नति कर रहे हैं, वो ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कोई बुराई की स्थिति बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन अमृत वेला के मुरली सुनी जा रहे थे, वही सामने खड़ा है, तो क्या करना है? जिसने कल किचड़े की बातें सुनाई थी, मेरी अवस्था बिगड़ी थी, तो क्या करना है? उसे किनारा करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जो आपको किसी की बुराई सुनाता है उसे बच करो, उसको हाथ जोड़ो, मुझे ऐसी बातें मत सुनाई करो। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज जिसके दोस्त देख रहे हैं वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, उसकी अच्छाई तो देखी नहीं। आज उन लोगों ने कितना साल से, कितना दिनों से तपस्या कर रहे, योग कर रहे, कितना दान, उसकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखा। इसलिए उसकी थोड़ी सी बुराई को देख रहे हैं, वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, निकल जाएंगे। अगर आप यहां नहीं आएंगे तो आपका ही घाटा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहां किसी की भी दोष नहीं देखो, दोष देखेंगे तो घाटा अपना है। दोष देखने वालों को परमात्मा प्यार नहीं कर सकता, उसका योग नहीं लग सकता। इसलिए ये पर चिंतन आज हमें सो उन्नति करने नहीं देता।